नमस्कार, आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यह टेंस दर्शाता है एक घटना को जो पूरी हो चुकी होगी भविष्य में किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्यकाल, इसलिए बात करता है पूर्णता की, कंप्लीशन की, यानी कि कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा किसी पर्टिकुलर टाइम तक फ्यूचर में। यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सब्जेक्ट विल, शेल का इस्तेमाल कम होता है पर आवश्यक हो तो शेल, विल या शेल, 99% विल प्लस हैव, हमेशा हैव, हैज का यहां कोई झंझट नहीं है, मैं दोहरा दूं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमेशा कंप्लीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमने पास्ट परफेक्ट लिया हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट लिया हो। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट भी एक अपवाद या एक्सेप्शन नहीं है, यहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हो, और उसके बाद जरूरी है टाइम मार्क का, यानी बताना बाय डगा 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 या बिफोर टगा टगा टगा। ये डगा 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 और टगा 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 का अभिप्राय है किस पर्टिकुलर समय के पहले या किस पर्टिकुलर समय के होने तक, यानी ये फिल अप द ब्लैंक है, ये डगा 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 में आप जो चाहे वो भर सकते हैं। तो आइए अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और जानते हैं कि ये टेंस किस तरह से फंक्शन करता है। ही विल हैव रिटन हिज विल बिफोर हिज नेक्स्ट बर्थडे। ही विल हैव रिटन हिज विल बिफोर हिज नेक्स्ट बर्थडे। उसके अगले जन्मदिन के पहले वो अपनी वसीयत लिख चुका होगा। यहां पे मैंने जानबूझकर विल शब्द का दोहरा इस्तेमाल किया है। पहला वाला विल सहायक क्रिया है जो कि हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट था। दूसरा वाला विल नाउन है जिसका मतलब होता है इच्छा पत्र या वसीयत। व्यक्ति मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता है ये अपने विल में लिख देता है और इसे ही कहते हैं वसीयत उर्दू में, हिंदी में इच्छा पत्र, अंग्रेजी में विल। ही विल हैव रिटन हिज विल बिफोर हिज नेक्स्ट बर्थडे। किसी ने उसे एडवाइस दी थी कि तुम 50 साल के हो जाओ उसके पहले पहले तुम अपना विल लिख दो। अब उसका 50वां साल समाप्त होने को है तो अगले बर्थडे पर वो हो जाएगा, उसके पहले पहले वो विल लिख चुका होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब अगला वाक्य और देखें। आई विल हैव टॉट इंग्लिश फॉर 30 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के अंत तक मेरे 30 साल अंग्रेजी पढ़ाने के पूरे हो चुके होंगे, ये बताने के लिए मैंने एक टाइम मार्कर डाला बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बिफोर और बाय, बाय मतलब तक, बिफोर यानी से पहले। इस तरह से हम लोग इस टेंस में टाइम एलिमेंट हमेशा जोड़ते हैं। एक और उदाहरण देखिए। वी विल हैव ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड बिफोर द नेक्स्ट ओलंपिक्स। अगले ओलंपिक्स आने तक हम, मतलब एज अ टीम, हम सभी लोग हमारी टीम मिलकर के विश्व कीर्तिमान यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ चुकी होगी। हम पहले एक समय बताते हैं अगला ओलंपिक होने तक या फिर उसके अगले जन्मदिन तक या इस महीने के अंत तक क्या हो चुका होगा। जब हम वो बताते हैं तो उसमें लगाते हैं विल, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से यह वाक्य बन जाता है। कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे बात स्पष्ट हो सके। और मैं साथ ही ये भी बता दूं, इन वाक्यों को निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने सेपरेटली कोई और वीडियो प्रिपेयर नहीं किया है।
इसी में आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि विल में नॉट लगाने से निगेटिव बन जाता है और विल को शुरू में रख देने से प्रश्न बन जाता है। तो जो उदाहरण मैं आपको अब एक्स्ट्रा देने वाला हूं, उन उदाहरणों में आप देखेंगे कि कुछ वाक्य निगेटिव भी हैं और कुछ इंट्रोगेटिव भी हैं। तो अब तक तो हम अच्छी तरह जान चुके हैं, सहायक क्रिया को ढूंढिए, उसमें नॉट लगाइए, बन गया वाक्य निगेटिव। सहायक क्रिया को वाक्य की शुरुआत में रख दीजिए, बन गया वाक्य इंटरोगेटिव। केवल दो ही टेंसेस में दिक्कत थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। वहां भी हमने डू, डज और डिड लगा करके वाक्यों को निगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव बनाना सीख लिया था, पर इस टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रहे हैं वो मिले जुले हैं, कुछ अफर्मेटिव, कुछ निगेटिव और कुछ इंट्रोगेटिव। इन्हें आप ध्यान से देखिए। पहला उदाहरण जो अतिरिक्त मैं आपको दे रहा हूं वो है, द सर्कस विल हैव बिगन बिफोर यू रीच देयर। तुम वहां पहुंचोगे उसके पहले ही सर्कस शुरू हो चुका होगा। विल यू हैव रीच्ड द सिनेमा हॉल बाय 6 o'clock? क्या तुम 6 बजे तक सिनेमा हॉल में पहुंच चुके होगे? आंसर आया यस, आई विल हैव रीच्ड द सिनेमा हॉल बाय 6 o'clock। या नो, आई विल नॉट हैव रीच्ड द सिनेमा हॉल बाय 6 o'clock। मतलब मेरा शो छूट जाएगा, मैं सिनेमा हॉल 6 बजे तक नहीं पहुंच चुका होऊंगा, ये मेरे लिए संभव नहीं होगा। एक और वाक्य देखें, इट सीम्स दैट दे विल हैव फिनिश्ड द डेकोरेशन बिफोर दिवाली। इट सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, दे विल हैव फिनिश्ड द डेकोरेशन बिफोर दिवाली, दिवाली के पहले वो डेकोरेशन यानी सजावट का काम पूरा कर चुके होंगे। आई होप यू विल हैव हर्ड द गुड न्यूज बिफोर यू रीच द US। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचने के पहले ही मुझे उम्मीद है कि अच्छी खबर सुन चुके होंगे। हम जानते हैं कि इन वाक्यों में निगेटिव बनाने के लिए हम सीधा विल में नॉट लगा रहे हैं, जैसे he will not have written his will before his next birthday, will he have written his will before his next birthday, ये हुआ इंट्रोगेटिव। I will not have taught English for 30 years by the end of this year, ये हुआ negative। Interrogative होगा, will I have taught English for 30 years by the end of this year? तो एक चीज हमारे सामने स्पष्ट हो गई कि इस tense में हम दिखाते हैं completion, future में किसी घटना की पूर्णता, completion, वो भी किसी particular time के point के पहले, यानी पॉइंट ऑफ टाइम होना जरूरी है, उसके पूर्व ये घटना हो चुकी होगी, ऐसा आप बताते हैं। क्योंकि आप बात कर रहे हैं परफेक्शन की, कंप्लीशन की, इसलिए कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, पर जितना भी होता है, होता तो है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह याद करें, इसकी खूब प्रैक्टिस करें, और अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो यूट्यूब पर या हमारी वेबसाइट aosikho.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।